नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस विभाग सतर्क बरत रहा है, इसको लेकर अधिकारी निरीक्षण करने में लगे हुए हैं। मोदीनगर थाने में एडीजी राजीव सबरवाल पहुंचे, उन्होंने थानों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की कि इन होटलों में भी कम से कम कार्रवाई कड़ी की जावे और जो इनके पास दोषी हो उनको सख्त कार्रवाई की जावे, क्योंकि ये भी एक अपराध की श्रेणी में आते हैं, ये अपराध को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने फिर आपसे जैसे शुरू में कहा कि अवैध शस्त्र की बरामदगी और अवैध शराब की बरामदगी ये एकदम टॉप एजेंडा पे है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल चीज़ है। लेकिन एक ध्यान न केवल इस पे है कि जो ला रहा है उसको पकड़ा जाए, जो पीछे का स्रोत है उसकी तरफ जाने का ज़्यादा इस समय सारा फोकस इस बात को है कि अगर हम स्रोत को पकड़ लेते हैं तो ये हमारी समस्या काफ़ी दूर तक संवेदनशीलता होती है। वो तो एक बार जब सब फाइनल हो जाएगा तो अभी ये थोड़ा हमने चिन्हीकरण कर लिया है, चिन्हीकरण हो चुका है। अति संवेदनशील नॉर्मल, अति संवेदनशील प्लस का भी हुआ। कितना बता सके कि कितने संवेदनशील है, कितने कितने नहीं, ये आप अभी कार्रवाई का पता होगा। देखिए अभी ये आपको दे दिया जाएगा, हम बाद में। अभी तो हमारा अलग अलग मुद्दों पे ये संवेदनशीलता क्यों है, पहले हमने इसका चिन्हीकरण किया है और उस संवेदनशीलता को चुनाव से पहले कैसे कम किया जाए इस पर पूरा जोर। सारी जो कार्रवाई का हिस्सा है वो ये है कि हमने संवेदनशीलता को चिन्हीकरण कर लिया है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की, जहां पर भारी मात्रा में नकली मावा तैयार किया जा रहा था, उसमें रिफाइंड और केमिकल का भी इस्तेमाल हो रहा था। नकली मावा बनाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा विनीत कुमार। विनीत जी, कल कलछीना में मावा पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला, कितना पकड़ा गया है, कितने लोग गिरफ्तार, कितनी कार्रवाई? वहाँ पे 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वहाँ से, मौके से। असलत में क्या था, घर के अंदर जो मावा बना रहे थे उसमें हमें रिफाइंड और एक सेल खड़ी का हमें शक है जो वहाँ से मिला है, साथ ही फॉर्मलिन की भी शीशी मिली है। इन सारी चीज़ों को हमने लैब में जाँच के लिए भेज दिया है। वहाँ से लगभग 50 किलो मावा बनते हुए हम लोगों ने पाया, उसमें से एक सैंपल मावे का भी भेजा है और बाकी अन्य 3 सैंपल भी जाँच के लिए भेजा है। तो सर, इस मावे का वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे थे, कुछ पता चला? देखिए, अभी उसमें पुलिस अग्रिम जांच कर रही है और उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वैसे हमें प्रथम जानकारी ये मिली थी कि ये सब मावा बना के दिल्ली बेचा जा रहा था। तो जिस तरीके से होली आ रही है, होली पर मांग बढ़ जाती है, हालांकि कोरोना काल चला है, तो उसके मद्देनजर ही कार्रवाइयाँ और भी की जाएंगी क्या? हाँ, हमने जिले में पिछले एक सप्ताह से 5 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में बना रखी हैं और वो टीमें निरंतर सैंपल कर रही हैं। हमने इस दौरान अब तक लगभग 100 से ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किए हैं और इन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया। जिस तरीके से सर होली है पास में, कितना खतरनाक हो सकता है इस महामारी के चलते ये? देखिए, अगर नकली या ऐसा मिलावटी मावा अगर बनाए जाने की कोशिश है तो इससे किडनी और फेफड़ों पर बहुत गलत असर पड़ेगा, और अगर ऐसे मिलावटी पकड़े जाएंगे तो इन्हें विभाग तुरंत इन पर कार्रवाई कर रहा है। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शालीमार गार्डन में शहीद दिवस का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। भाजपा पार्टी के कई बड़े बड़े नेतागण इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई। देखिए, प्रोग्राम आज शहीदी दिवस है और शहीदों की याद में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्तियों का अनावरण भी किया जाएगा। तो एक लोगों के अंदर गाजियाबाद वैसे भी 1857 की याद के अंदर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और हम अपने शहीदों को याद करते रहे तो लोगों के लिए उतना अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। गाजियाबाद के मोदीनगर नगर पालिका चेयरमैन अशोक माहेश्वरी ने राम जोहरी देवनगर में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूत, महान देशभक्त, क्रांतिकारी, अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव,
राजगुरु के बलिदान दिवस पर उनके छाया चित्रों पर पुष्प अर्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हस्तिनापुर विधानसभा में शहीद दिवस के मौके पर ऐतिहासिक रैली में उमड़ा जन सैलाब, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोतवाल शहीद धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हस्तिनापुर विधानसभा को विशेष पैकेज देकर चहुंमुखी विकास करने की घोषणा की। गाजियाबाद के मोदीनगर थाने में हुई बैठक के दौरान एडीजी राजीव सबरवाल ने जिले में अच्छे कार्य करने के लिए एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा की पीठ थपथपाई और जमकर तारीफ की। कहा, गाजियाबाद जिले को ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र स्थित जय भारत एनक्लेव से चोरी का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जहां एक चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। यह सारा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि आस पड़ोस के लोगों के जाग जाने और बाइक के स्टार्ट न होने के चलते चोरों को खाली हाथ ही वापस भागना पड़ा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।